Where is everyone? अभी पिछली क्लास में तो जरूर समय नहीं हो पियो। अभी दो ही है ताकि आप सब कहाँ बैठे? So last time हम लोगों ने double Flemish pot discuss कर लिया था। Let's start with single Flemish pot now। जैसे हम Flemish bond का एक basic rule होता है that you see headers and stretchers alternating in each course. Then single Flemish bond में हम लोग front face पे wall के front face पे ये appearance तो देते हैं of alternating headers and stretchers like over here. But the rest of the wall, चाहे वो कितनी भी thickness की wall हो, that is built in English bond. So as you can see, front में there are stretchers and headers and queen guard, right? But पीछे in the back of the wall it's only headers and then दूसरे उसमें meaning alternate course में it's all stretchers. So फ्रंट फेस तो फ्लेमिश बॉन्ड में क्रिएट किया जाता है बट द रेस्ट ऑफ द वॉल इज इंग्लिश बॉन्ड में बनी हुई क्योंकि फ्लेमिश बॉन्ड लुक्स नाइसर बट इंग्लिश बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है मीनिंग इट प्रोवाइड्स मोर स्ट्रेंथ provides more strength to the wall. So हमें दोनों के advantages मिलते हैं. The wall looks nice, but it is also strong because of the English bond in the rest of the wall. So in single Flemish bond, the face elevation is of Flemish bond, and the filling as well as backing. ये है बैकिंग ये है दे आर और इन इंग्लिश बॉन्ड सो इन दिस बॉन्ड टाइप ऑफ बॉन्ड यू कंबाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द इंग्लिश बॉन्ड एंड द अपीयरेंस ऑफ द फ्लेमिश बॉन्ड एंड ये तब यूज किया जाता है मीनिंग ये टाइप का बॉन्ड फ्लेमिश सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड अब यूज किया जाता है जब यू आर यूजिंग एक्सपेंसिव ब्रिक्स फॉर फेस वर्क सो बट सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड क्रिएट करने के लिए हमें मिनिमम वन एंड हाफ ब्रिक थिक वॉल चाहिए होती है उससे कम में नहीं बन पाएगा बिकॉज फॉर इंग्लिश बॉन्ड वी नीड कंटिन्यूस हेडर्स और हेडर्स के लिए हमें कंटिन्यूस एक ब्रिक्स सिंगल ब्रिक्स रखनी पड़ेंगी इन हेडर कोर्स सो ऑटोमेटिकली हाफ एंड वन
आ ही जाता है. सो द मिनिमम वॉल थिकनेस दैट यू नीड फॉर सिंगल फ्रेमिश वॉल इज 1.5 ब्रिक थिक या उससे ज्यादा. तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे हम लोगों ने 4 तो पढ़ लिए थे कि हर कोर्स में पहला होता है कि हर कोर्स में हेडर एंड स्ट्रेचर ऑल्टरनेटली प्लेस्ड होता है. देन जो हेडर पॉइंट होता है मीनिंग जो स्टार्टिंग वाला दिस इज द हेडर पॉइंट एंड दिस इज द हेडर पॉइंट उसके नेक्स्ट मीनिंग नेक्स्ट टू द हेडर पॉइंट वी प्लेस अ क्वीन क्लोजर सो दैट हम गैप क्रिएट कर पाए गैप क्रिएट कर पाए. Then third is every header is centrally supported over the stretcher. So let's look at it in animation. So इसमें हर header के ऊपर एक स्ट्रेचर है जो सेंट्रली सपोर्टेड है देन उसके ऊपर एक हेडर है जो उसके सेंटर को आता है एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी हेडर. देन फोर्थ था कि इसमें दो टाइप के बॉन्ड्स होते हैं वन इज डबल वन इज सिंगल सो हम लोगों ने वो डिस्कस कर लिया है. देन कम्स द फिफ्थ वन कि द ब्रिक्स इन द सेम कोर्स डू नॉट ब्रेक जॉइंट्स विद ईच अदर द जॉइंट्स आर स्ट्रेट. मीनिंग जो जो हर ब्रिक के बाजू में जॉइंट है जैसे इसमें आप प्लान में देख सकते हो वो ब्रेक नहीं हो रहा है दे डोंट ब्रेक इट. इंग्लिश बॉन्ड में जैसे होता है आपको प्लान में भी यू गेट ऑल्टरनेटिंग बॉन्ड्स जैसे सो दैट आपको विद इन मीनिंग हार्टिंग में वॉल के कोई स्ट्रेट जॉइंट ना मिले जैसे
ये इंग्लिश पॉन्ड है, इसमें एज यू कैन सी हर लेक लाइक एवरी ब्रेक, जैसे यहाँ पे वी हैड इंग्लिश पॉन्ड में एवरी ब्रेक वॉज ब्रेकिंग द जॉइंट, मीनिंग जैसे इसमें यू कैन सी यहाँ पे हर कोर्स में ऐसा नहीं हो रहा है. सिंगल फ्लेमिश पॉन्ड के इस कोर्स में फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो कि दीज टू ब्रेक्स का जॉइंट्स अलाइंड है, यहाँ पे अलाइनमेंट है, देन यहाँ अलाइंड है एंड यहाँ दे आर ऑल इन द स्ट्रेट लाइन. सो यहाँ पे हर ब्रिक जॉइंट को ब्रेक नहीं कर रही है, देर आर सर्टन प्लेसेस जहाँ पे कंटिन्यूस जॉइंट्स फॉर्म हो रहे हैं. मैम आपको कर्सर नहीं दिख रहा? कर्सर नहीं दिख रहा? नाउ कैन यू सी द कर्सर? यस मैम. सो हर कोर्स में, मीनिंग इन एवरी कोर्स, जो ब्रिक्स हैं वो जॉइंट्स, ये जो जॉइंट्स फॉर्म हो रहे हैं वो हर जगह ब्रेक नहीं होते हैं. मीनिंग यहाँ पे एक एक पूरा जॉइंट कंटिन्यूसली अलाइंड है, यहाँ पे एक जॉइंट कंटिन्यूसली अलाइंड है, देन ऑल दीज वर्टिकल जॉइंट्स आर अलाइंड, राइट? सो इन अ सिंगल कोर्स जो जॉइंट्स हैं वो कई जगह अलाइंड होते हैं, बट ऑल्टरनेट कोर्स में, मीनिंग उसके ऊपर या नीचे वाले देखें तो वहाँ पे अलाइनमेंट नहीं हो रहा होता है. सर्टन प्लेसेस पे होगा, सर्टन प्लेसेस पे नहीं होगा. सो फ्लेमिश बॉन्ड में ये होता है कि यू ट्राई टू ब्रेक कंटिन्यूटी हर जगह पे, बट फ्लेमिश बॉन्ड में इट्स नॉट पॉसिबल एट एवरी प्लेस. इसीलिए फ्लेमिश बॉन्ड को उतना स्ट्रॉन्ग नहीं माना जाता है बिकॉज ऑफ दीज कंटिन्यूस वर्टिकल. अब जैसे सो यहाँ पे यू हैव अ कंटिन्यूस बॉन्ड, यहाँ पे यू हैव अ कंटिन्यूस लाइन, ऑल दीज वर्टिकल लाइन्स आर कंटिन्यूस. सो कई प्लेसेस ऐसी होती हैं जहाँ पे यू गेट अलाइंड कंटिन्यूस जॉइंट्स, भले ही उसके ऑल्टरनेट कोर्स में, मीनिंग उसके ऊपर या नीचे वाले, जैसे ये इसके ऊपर या नीचे होगा, तो दीज डोंट गेट अलाइंड विद ईच अदर, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट हर कोर्स में ये चीज फॉलो नहीं होती है. एंड सो इसकी वजह से, विच कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, शॉर्ट कंटिन्यूअस वर्टिकल जॉइंट्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ दिस. छोटे छोटे कंटिन्यूस वर्टिकल जॉइंट्स फॉर्म होते हैं जगह जगह पे, एंड ब्रिक पैड्स जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने हाफ क्वीन क्लोजर यूज किया है, वैसे ही हम लोग यूज जैसे यहाँ दीज आर वन एंड हाफ ब्रिक थिक वॉल के दो कोर्सेस, वन एंड हाफ मतलब हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, सो ऑड नंबर ऑफ हाफ ब्रिक्स, राइट?
सो यहाँ पे हमें सिर्फ क्वीन क्लोजर यूज करना पड़ रहा है जैसे कि रूल्स में होता है, बट अगर हम टू ब्रिक थिक वॉल देखें, लेट्स लुक फॉर टू ब्रिक थिक वॉल, इसमें एज यू कैन सी हम लोग यहाँ प्लान में जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हम क्वीन क्लोजर यूज किया, देन हमने थ्री फोर्थ बैट भी यूज किया, क्वीन क्लोजर थ्री फोर्थ बैट, क्वीन क्लोजर थ्री फोर्थ बैट। सो ये हमारा टू जो वन ब्रिक थिक टू ब्रिक थिक ऐसी वॉल्स होती हैं जिसमें इवन नंबर ऑफ हाफ ब्रिक्स यूज हो रही हैं, उसमें आपको बैट भी यूज करना पड़ता है, क्वीन क्लोजर भी यूज करना पड़ता है। देन अगर डेढ़ ब्रिक थिक वॉल है, मीनिंग वो ऑड नंबर ऑफ हाफ ब्रिक्स हैं, तो यू विल नीड ओनली क्वीन क्लोजर। तो इसमें यू कैन नॉट फॉलो दैट रूल एवरी टाइम। सो अगर हम इंग्लिश एंड फ्लेमिश बॉन्ड को कंपेयर करें तो इंग्लिश बॉन्ड इज seen as stronger, it has more strength than Flemish bond for walls जिसमें wall thickness 1.5 ब्रिक उससे ज़्यादा होती है, then Flemish bond is more aesthetically pleasing than English bond and it is possible to use broken bricks, I like brick bats in Flemish, meaning Flemish bond में हम लोग बहुत सारे bats use कर रहे हैं, like in this you can see इसमें हर कोर्स में चाहे वो ऑड हो इवन हो, वी आर यूजिंग बोथ क्वीन क्लोजर एंड थ्री फोर्थ बैट एंड वन फोर्थ बैट, राइट? ये वन फोर्थ है, ये थ्री फोर्थ है, ये क्वीन क्लोजर है, सो वी आर यूजिंग सो मेनी बैट्स। तो जो अगर टूटी हुई ब्रिक्स हैं वो भी यूटिलाइज हो जाती हैं, यू डोंट हैव टू थ्रो देम अवे, बट हाँ मोर्टार भी ज्यादा चाहिए होता है। देन कंस्ट्रक्शन विद फ्लेमिश बॉन्ड रिक्वायर्स मोर स्किल क्योंकि इट हैज टू बी सो प्रिसाइज एवरीवेयर, आप बैट्स यूज कर रहे हो, बैट्स का साइज एग्जैक्टली परफेक्ट होना चाहिए एंड यू नीड टू क्रिएट दिस डिटेल पैटर्न्स, सो उसकी वजह से फ्लेमिश बॉन्ड के लिए ज्यादा स्किल्ड वर्कर्स चाहिए होते हैं कंपेयर टू इंग्लिश बॉन्ड। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, इवन दो फ्लेमिश बॉन्ड लुक्स नाइसर, आपको मोस्टली सारी बिल्डिंग्स में इंग्लिश बॉन्ड ही दिखेगा बिकॉज इट इज ईजियर टू कंस्ट्रक्ट, उसमें कॉम्प्लिकेशन ज्यादा नहीं होते एंड मार्जिन ऑफ एरर कम होता है। ओके यस मैम। ओके सो नाउ वी कम टू गार्डन वॉल बॉन्ड। गार्डन वॉल बॉन्ड इज used for construction of boundary walls, compound walls and garden walls, meaning जो fencing या compounding के लिए walls create होती हैं वहाँ पे garden wall bond use होता है, क्योंकि usually ये जो bricks walls होती हैं garden या compound walls usually one brick thick होती है, meaning 9 inches की wall होती है वो, and इसको हम दोनों तरह से बना सकते हैं, वी कैन हैव अ फ्लेमिश गार्डन वॉल बॉन्ड या फिर इंग्लिश गार्डन वॉल बॉन्ड, डिपेंडिंग ऑन हम उसके फेस पे क्या पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे यू कैन सी ये दोनों गार्डन वॉल बॉन्ड है पर एक इंग्लिश स्टाइल से बना है, फ्लेमिश स्टाइल से बना है, पर दोनों की थिकनेस इज 1 ब्रिक थिक, राइट? वॉल में सेम है एंड जो हाइट होती है इस टाइप के बॉन्ड की, मीनिंग ऐसी वॉल की जो इस बॉन्ड से बना है, उसकी हाइट शुड नॉट बी मोर देन 2 मीटर्स, इसीलिए इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू बी यूज्ड इन
गार्डन वॉल्स, कंपाउंड वॉल्स, क्योंकि वही ऐसी वॉल्स होती हैं जो मैक्सिमम 2 मीटर हाई होती हैं, एंड उसके ऊपर आप यूजली ग्रिल्स लगाते हैं, फेंसिंग करते हैं, एंड थिकनेस भी 1 ब्रिक थिक होती है. सो इंग्लिश गार्डन वॉल बॉन्ड जो होता है, इसमें एक हेडर फोर्स प्रोवाइड होता है, एक स्ट्रेचर फोर्स होता है. जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज अ स्ट्रेचर फोर्स, सॉरी दिस इज अ हेडर फोर्स, देन यू हैव 3 to 5 स्ट्रेचर फोर्सेस. मीनिंग जो रेशियो, नॉर्मली हम क्या देख रहे हैं कि या तो ऑल्टरनेट होता है, जैसे इंग्लिश बॉल में यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यू हैव एक स्ट्रेचर फोर्स, देन हेडर फोर्स, देन अ स्ट्रेचर फोर्स, देन अ हेडर फोर्स, राइट. पर गार्डन वॉल बॉन्ड में यू हैव, इसमें लाइक दो स्ट्रेचर बॉन्ड्स हैं, देन यू हैव 1 हेडर फोर्स, then 2 stretchers, in fact 3 stretchers, and then 1 header. so जो रेशियो होता है वो 1:1 नहीं होता, रेशियो इज 1:3 या 1:5, मीनिंग 1 header फोर्स टू एवरी 3 या 5 स्ट्रेचर फोर्सेस. एंड जो कॉइन हेडर्स होते हैं, मीनिंग ये जो कॉइन हेडर है, कॉर्नर वाला हेडर, इट इज प्लेस्ड इन ऑल्टरनेट फोर्सेस. सी, क्योंकि ये तो स्ट्रेचर फोर्स है, पर इसकी स्टार्टिंग में एक हेडर फेस लगा हुआ है, देन इसके एक छोड़ के फिर से हेडर लगा हुआ है, इवन दो इट इज अ हेडर फोर्स, देन एक छोड़ के हेडर लगा है, स्ट्रेचर फोर्स है फिर भी. सो एक कंटिन्यूएशन होता है कि इवन दो आप हर ऑल्टरनेट उसमें हेडर एंड स्ट्रेचर फोर्स नहीं कर रहे हो, तो 2 स्ट्रेचर, 3 स्ट्रेचर, फिर एक हेडर कर रहे हो, बट हर ऑल्टरनेट फोर्स में आप पॉइंट जो हेडर, पॉइंट वाला जो ब्रेक होगा, दैट विल बी अ हेडर, सो दैट आपके वॉल के एज पे, क्योंकि ऐसे उसमें वॉल के एजेस जो कई जगह दिखती भी हैं, सो यू गेट वॉल एजेस लाइक 1 स्ट्रेचर 2 हेडर्स, 1 स्ट्रेचर 2 हेडर, तो वो कभी भी वर्टिकल जॉइंट्स कंटिन्यूअस नहीं फॉर्म होंगे. एंड ओके, तो अभी तक ये जो हम लोगों ने रूल्स पढ़े वो समझ में आए? मैम फ्लेमिशेस बॉन्ड में मैं सिंगल बॉन्ड मैम थोड़ा थोड़ा, बट मैम गार्डन बॉन्ड में मैम ये तो मैम समझ में आ गया. सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड में थोड़ा थोड़ा, तो आप पहले बताते क्या नहीं समझ में आया, दोबारा लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन. Which part? बॉन्ड्स मैम, यस मैम, इसके बॉन्ड्स मैम ये वो नहीं समझ में आए मैम, कैसे रखने हो, कैसे क्या मैम, कभी क्वीन क्वार्टर यूज हो रहा है, कभी मैम हाफ क्वार्टर या बैट. हाँ, सिंगल फ्लेमिश में ये होता है कि सी पहले तो ये है कि आपके जी दिस इज अ डबल फ्लेमिश बॉन्ड, क्योंकि आपको फ्रंट में भी हेडर एंड स्ट्रेचर ऑल्टरनेट होते हुए दिख रहे हैं, बैक में भी ऑल्टरनेट होते हुए दिख रहे हैं, सो दिस इज अ डबल फ्लेमिश बॉन्ड. अगर हम सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड देखें, दिस इज ऑल्सो अ डबल फ्लेमिश बॉन्ड. होल्ड ऑन, ठीक है.
ये है सिंगल फ्लेमिश पॉट। इसमें क्या हो रहा है कि फ्रंट में ये देखो, ये वॉल का फ्रंट है, ये वॉल का बैक है, ये वॉल का फ्रंट है, ये वॉल का बैक है, एंड ये दोनों सेम वॉल है, बस ये एक कोर्स है, 1, 3, 5 ऑड कोर्सेस का प्लान है, ये इवन कोर्सेस का प्लान है, 2, 4, 6 मीनिंग पहले हम ये रखेंगे, फिर हम ये रखेंगे, फिर हम ये रखेंगे, फिर ये रखेंगे, ठीक है। तो ये क्या दिखाना चाह रहा है इसमें, ये समझ में आया? यस मैम। ओके, तो हमने क्या किया है, अगर हम सिर्फ फ्रंट देखें तो व्हाट वी हैव डन इज हमने हेडर स्ट्रेचर कंटिन्यू कर दिया। वी स्टार्टेड विद द स्ट्रेचर, देन हेडर स्ट्रेचर। राइट, एंड हमारे फ्लेमिश बॉन्ड का एक रूल होता है कि जो भी कॉइन हेडर होता है, मीनिंग जहाँ पे कॉर्नर पे हेडर आ रहा है उसके बाजू में देयर विल बी अ हाफ क्वीन क्लोजर, मीनिंग क्वीन क्लोजर रख रहे हैं। सो दिस इज द हेडर, इस तरफ से अगर हम राइट लेफ्ट हैंड साइड से देखें तो हम, ये हमारा हेडर कॉइन है और उसके बाजू में हमने क्वीन क्लोजर रख दिया, ठीक है, दैट इज डन। अब टू कंप्लीट द लुक ऑफ फ्लेमिश बॉन्ड, सो वी नीड कि यहाँ अगर स्ट्रेचर आ रहा है तो यहाँ हेडर आए, राइट। बट अगर हम यहाँ पे पूरा ब्रेक कर देंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पे आगे चला जाएगा थोड़ा, देन सो एंड सो ऑन, आगे जब तक जाते जाएंगे तो कोई एक ऐसी जगह आएगी जहाँ पे इट वोंट मैच, क्योंकि हमें आग सामने से तो दिखाना है ऑल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर, पर पीछे ऑल्टरनेट नहीं हो रहा है, पीछे फ्लेमिश बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे सब हेडर है एंड इधर सब स्ट्रेचर है, इसमें सब स्ट्रेचर है, यहाँ पे सब हेडर है, तो पीछे से तो इंग्लिश बॉन्ड जैसा दिख रहा है बट आगे से हमें फ्लेमिश बॉन्ड दिखाना है। तो टू मैच दीज टू थिंग्स, मीनिंग इंग्लिश एंड फ्लेमिश बॉन्ड को मैच करना है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द बेसिक रूल्स ऑफ अ ब्रिक मेसनरी, जो कि होते हैं कि हमें कहीं पे भी ऐसा नहीं रखना है कि लैप ना हो, कंटिन्यूस वर्टिकल जॉइंट फॉर्म हो जाए या फिर हमारी वॉल की स्ट्रेंथ का। सो व्हाट वी डू इज, यहाँ पे अगर हम एक्चुअल हेडर रख देते, मीनिंग पूरी ब्रिक रखते जिसका हेडर फेस सामने होता, तो हमें यहाँ पे एक बैट लगाना पड़ता। yes, ma'am. है ना, क्योंकि ये पूरी ब्रिक है, ये हाफ बैट है, मीन आधी ब्रिक है, तो अगर यहाँ पे पूरी ब्रिक रख देते तो हमें यहाँ पे आधा बैट लगाना पड़ता, एंड देन दिस विल गेट कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि ये अनइवन ऐसा ज़िगज़ैग शेप होता है। So, इसको पूरा इवन इंग्लिश बॉन्ड बनाने के लिए, मेन हेडर 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 कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पे फिल क्या करेंगे, हाफ बैक, क्योंकि यहाँ पे पूरी ब्रिक नहीं आ सकती, वी नीड वन एंड अ हाफ ब्रिक वॉल। सो क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेचर है तो उनको अलाइन करने के लिए वी मेक अ स्ट्रेचर देन पुट अ हाफ बैक, सो दैट हमें लुक भी क्रिएट हो जाए एंड यहाँ पे अननेसेसरीली ऑल्टरनेशन भी ना क्रिएट हो। सो हमने स्ट्रेचर के साथ हाफ बैक रख दिया टू कंटिन्यू दिस लाइन, एंड यहाँ पे हेडर 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 पूरा रख दिया, इसलिए यहाँ पे हाफ बैक भी यूज हो रहा है। देन हम यहाँ पे आए, अच्छा यहाँ पे भी हो रहा है सेम चीज है, इट्स जस्ट इसको ऐसे फ्लिप करके रोटेट कर दिया तो ये बन जाएगा, मीनिंग ये वाला पार्ट इसमें यहाँ पे है, ये वाला पार्ट इसमें यहाँ पे है। सो ये तो मेन कंटिन्यूस वॉल की बात हुई कि हम स्ट्रेचर हेडर जहाँ पे कर रहे हैं वहाँ पे हेडर पूरा नहीं है, मीनिंग हेडर तो पूरा है पर ब्रेक पूरी नहीं है, इट्स जस्ट अ हाफ पार्ट, एंड पीछे इंग्लिश बॉन्ड बनाने के लिए हम पूरे हेडर 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 रखते हैं।
फिर आते हैं यहाँ जहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं दो तो, कॉर्नर्स मीनिंग हमारा पॉइंट। तो हमें इस फेस पे, लेफ्ट हैंड साइड वाले फेस पे भी वी बॉन्ड, जो यहाँ पे फ्लेमिश बॉन्ड दिख रहा है वो यहाँ पे फ्लेमिश बॉन्ड दिख रहा है। सो वी पुट अ हेडर, ये स्ट्रेचर रखा था इसी का हेडर दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा हेडर पॉइंट हो गया। तो इसके बाजू में हमने क्विन क्लोजर रखा क्योंकि ये रूल होता है फ्लेमिश बॉन्ड का। देन वी पुट अ स्ट्रेचर एंड उसके पीछे स्ट्रेचर आ जाएगा टू कंप्लीट दिस फ्लेमिश बॉन्ड, देन हेडर, देन अगेन टू स्ट्रेचर, देन हेडर, ऐसे रहेगा। एंड उसके पीछे हमें इंग्लिश बॉन्ड कंप्लीट करना है, तो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग, वी आर डूइंग अ स्ट्रेचर 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 एंड सो ऑन। जैसे यहाँ पे है स्ट्रेचर सारे। फिर प्रॉब्लम क्या होगी कि यहाँ पे हमने, अब जैसे यहाँ हमने स्ट्रेचर 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 तीनों रखे, यहाँ पे हमारा एक हेडर है मीनिंग 115, देन क्वीन है मीनिंग 75, तो कितना हुआ, ये 3/4 ब्रिक जैसी थिकनेस हुई बिकॉज ऑफ दिस। सो हम इसे कंटिन्यू कर, अलाइन करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे 3/4 पैड रखते हैं सो दैट इसका पूरा जो पैटर्न फॉर्म हो रहा है अलाइनमेंट वो कंटिन्यू रहे। अदरवाइज अगर हम यहाँ पूरी ब्रिक रखते तो यहाँ का जो हमारा पीछे का इंग्लिश बॉन्ड है वो गड़बड़ हो जाता, क्योंकि ये ब्रिक यहाँ तक आती, ये आगे तक जाती तो हमारा लैब छोटा हो जाता, यस मैम। वहां पे प्रॉब्लम आती। Is the screen visible? Phone का screen नो मैम, मैम इट वॉज विजिबल। ना? यस मैम। सो हम क्या कर रहे हैं कि हमें अपनी वॉल सामने से दिखानी है, ऐसी जो कि है फ्लेमिश बॉन्ड। पर हमें पीछे से रखना है, बाकी का जो वॉल है वो हमें रखनी है इंग्लिश बॉन्ड। जिसका मतलब होता है इट विल लुक समथिंग लाइक, हेडर एंड स्ट्रेचर बॉन्ड ऑल्टरनेट होगा, ये हमारी इंग्लिश बॉन्ड है
Clean the back. And blemish bond hai in the front. Now for this, हमें प्लान में क्या दिखेगा आगे, तो वी विल सी अ प्रॉपर ब्लेमिश बॉन्ड मीनिंग अ स्ट्रेचर, ये हम प्लान देख रहे हैं, ठीक है, अ स्ट्रेचर देन या लेट्स स्टार्ट विद द हेड. हमें कायदे से तो वी शुड हैव दिस अ हेडर देन अ स्ट्रेच. हेडर के बाजू में आएगा क्वीन क्लोजर, सो वी पुट अ क्वीन क्लोजर ओवर हियर इन प्लान. दिस इज प्लान, सो दिस इज अ क्वीन क्लोजर एंड सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड 1.5 ब्रेक के उससे ज्यादा नहीं ही बना है. तो देन वी शुड हैव अ स्ट्रेचर मीनिंग वी हैव a stretcher, another stretcher, then a header, header, queen closure. Then one stretcher, another stretcher, header, ऐसा दिखना चाहिए हमारा somewhat. एंड क्योंकि 1.5 फीट थिक वॉल होनी है, सो बिकॉज यहाँ पे स्ट्रेचर आया है, तो वी शुड हैव अ हेडर ओवर हियर देन स्ट्रेचर स्ट्रेचर एंड सो ऑन. बट क्योंकि हमें सी ये तो 1 ब्रेक थी कोई, अब मैं 1.5 कर रहा हूँ इसको, तो we can't have now what we will do. कि हमें एक या तो हम स्ट्रेचर कंटिन्यू करें, बट वी कांट डू दैट क्योंकि फ्लेमिश है. सो यहाँ पे प्रॉब्लम अच्छा अच्छा कैन यू सी यहाँ पे. सो ये तो हुई 1 ब्रेक थिक वॉल, हमें करना है 1.5. सो हमें आधी ब्रेक और लगानी पड़ेगी. सो इधर भी स्ट्रेचर्स यहाँ पे कंटिन्यूस, बट दैट वॉन्ट डू क्योंकि यहाँ पे फिर कंटिन्यूस लाइन बन रही है एंड देन वी नीड अनदर स्ट्रेचर. तो ऐसे ब्रेक तो बनती नहीं है, ऐसी वॉक तो बनी नहीं कि हम लोग स्ट्रेचर रखते जा रहे हैं. So to create a and also यहाँ पे फ्लेमिश बॉन्ड भी नहीं बन रहा है, सो दिस इज सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड. देन अगेन क्लोजर, तो हमारा क्या हुआ, यहाँ पे फ्लेमिश है एंड यहाँ पे इंग्लिश. बट ये
हमारा यहाँ पे वियर जॉइंट्स फॉर्म हो रहे हैं जो कि नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि जो लैप होता है इट शुड बी मोर देन 1/4 ऑफ अ हेडल. सो ये तो नहीं है 1/4 ऑफ अ हेडल, सो दिस इज प्रॉब्लम. तो हमें इसे फिक्स करना है. वी हैव टू फिक्स दिस. और वो हम कैसे करेंगे, वो हम ऐसे करेंगे कि वी वॉन्ट जस्ट ब्लाइंडली पुट द हेडल इन. हम यहाँ पे इस जॉइंट को अलाइन करेंगे बाय पुटिंग अ बैट. ये भी हमारा बैट है, सो दैट वो ऑड, ये ऑड जॉइंट्स ना हो जो यहाँ पे हो रहा है. तो हमने ये हटा दिया, यहाँ पे हमने बैट रख दिया टू अवॉइड दैट. सो नाउ वी हैव अ क्वीन क्लोजर एंड वी हैव अ 3/4 बैट. ठीक है, इसलिए कहीं पे रखते हैं कहीं पे नहीं रखते हैं. सो अब क्या करें, अब हम पीछे इंग्लिश बॉन्ड कंटिन्यू कर देंगे. सो यहाँ पे वी कांट हैव अ हेडर, क्योंकि क्या हो जाएगा फिर, टू ब्रिक थिक वॉल हो जाएगी. वी डोंट वांट दैट, वी वांट अ 1.5 ब्रिक थिक. सो हम यहाँ पे एक अब एक स्ट्रेचर ऐड करेंगे तो हमारा ये प्रॉपरली अलाइंड होगा, राइट, क्योंकि ये भी स्ट्रेचर है, ये भी स्ट्रेचर है, ये हेडर है. एंड क्योंकि इंग्लिश बॉन्ड है तो वी हैव टू कंटिन्यू विद द स्ट्रेचर्स. सो हमारा दूसरा स्ट्रेचर आएगा यहाँ पीछे इट इज सपोज टू बी इंग्लिश बॉन्ड, यहाँ पे हेडर है. तो हमारी ब्रिक वॉल अब प्रॉपरली बन रही है. सो दिस इज अ हेडर एंड यहाँ पे हमें सामने, अगेन दिस इज द फ्रंट. सो हमें यहाँ पे बनाना इधर, दिस इज अ स्ट्रेचर फेस, दिस इज अ हेडर फेस, राइट. सो यहाँ पे स्ट्रेचर फेस है, यहाँ पे हेडर फेस है. सो हम अगेन यहाँ पे एक स्ट्रेचर फेस रखना चाह रहे हैं, राइट. सो अब ये स्ट्रेचर हो गया एंड वी वांट अ 1.5 ब्रिक थिक वॉल एंड ये है अभी हाफ. वी नीड 1 ब्रिक थिक वॉल मोर. तो हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेचर्स थे तो यहाँ पे क्या होगा, हेडर होगा. क्योंकि अब हमें एक आधी ब्रिक तो आ गई, हमें पूरी ब्रिक रखनी है, तो वो आएगा समवर्ट वहां पे एंड यस हेडर, देन सामने वी नीड अ फ्लेमिश बॉन्ड. सो यहाँ पे हमें वापस से अब क्या रखना पड़ेगा, हेडर ऑब्वियसली. अभी यहाँ तक समझ में आया कि हम लोग जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं. तो अब हमें यहाँ पे रखना है फ्लेमिश बॉन्ड, यहाँ पे रखना है इंग्लिश बॉन्ड. तो हम यहाँ स्ट्रेचर के बाद हेड रखेंगे, फिर हम स्ट्रेचर
स्ट्रेच रखना चाह रहे हैं तो क्रिएट गैप फ्लेमिश को फिर हेडर राइट एंड ऑब्वियसली इसे फिल करने के लिए वी हैव अनदर स्ट्रक्चर. फिर क्या होगा यहाँ पे हमें बैक रखना पड़ा क्योंकि हमें बनानी तो वन एंड हाफ इंच थिक वॉल की है. सो हमें यहाँ पे बैक रखना पड़ा देन वापस एक स्ट्रक्चर जो कि इतने सारे बैग नहीं होने चाहिए बट मोस्टली हमें ब्रिक्स यूज करना चाहिए. सो इसलिए यहाँ पे इंस्टेड ऑफ यहाँ पे क्रिएटिंग अ फ्लेमिश बॉन्ड विद अ कंप्लीट हेडर वी यूज ये हम ऐसे नहीं करते हैं हमने यहाँ पे बैग रख दिया हाफ बैग और फिर हमने स्ट्रक्चर रख दिया क्योंकि हमें फ्लेमिश का तो सिर्फ लुक क्रिएट करना है देन स्ट्रक्चर देन बैग. तो हमें यहाँ पे मिल रहा है हेडर स्ट्रक्चर हेडर जो कि फ्लेमिश में होता है. अब पीछे हमें वन ब्रेक और रखनी है और हेडर्स क्रिएट करने हैं बिकॉज इन इंग्लिश बॉन्ड में यहाँ पे स्ट्रेचर है तो यहाँ पे हेडर है. सो वी जस्ट सिंपली पुट हेडर्स ऑल थ्रू द बॉल हेडर एंड हमने सक्सेसफुली फ्रंट में फ्लेमिश बॉन्ड बना दिया बैक में इंग्लिश बॉन्ड बना दिया. अब पता चला कि क्यों इतने सारे बैग्स एंड क्वीन क्लोजर्स रख रहे हैं. व्हेन यू स्टार्ट ड्राइंग इट देन यू रियलाइज कि देयर इज नो अदर वे वी हैव टू डू दिस. अब नाउ अगर हम इसे देखें तो अच्छा हाँ आई वांटेड टू टेल यू गाइस वन मोर थिंग क्योंकि आई डोंट नो वेदर इट इज ऑलरेडी क्लियर टू यू गाइस और नॉट. पर हम जैसे अगर कोई सपोज इंग्लिश बॉन्ड ले लेते हैं सिंगल ब्रिक थे इंग्लिश बॉन्ड टू एक्सप्लेन दिस हमारी वॉल का कॉर्नर ले और हमारी सिंगल ब्रिक थिक वॉल है सो इट शुड बी समवट दिस. ठीक है हमने इस फेस पे अगर हमने इंग्लिश बॉन्ड क्रिएट करना है तो वी पुट अ मेनी वन ब्रिक थिक तो वी हैव अ हेडर लेट्स राइट हेडर रखा हमें फिर से हेडर रखना है पर वी हैव अ क्वीन क्लोजर नेक्स्ट टू क्लोजर. सो अगेन वी गो हेडर हेडर फिर हमें इस वॉल पे ऑटोमेटिकली स्ट्रेचर मिल रहा है सो वी हैव टू कंटिन्यू दैट स्ट्रेचर मिल रहा है हमें सो दिस इज अ परफेक्ट इंग्लिश बॉन्ड. ठीक सो ये हमारे वो और कोर्सेस फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5. ठीक है अब हम जब इवन कोर्स होते हैं मतलब अब हमें जब नेक्स्ट बता दो अब हमें जब इसके ऊपर स्ट्रेचर क्रिएट करना है ऐसे ही होगा राइट क्योंकि मैं हेडर कोर्स के ऊपर स्ट्रेचर कोर्स रखना है सो वी जस्ट स्टार्ट पुटिंग स्ट्रेचर्स. एंड पीछे यहाँ पे वी हैव अ हेडर तो हम यहाँ पे क्वीन क्लोजर रखेंगे ऐसे एंड फिर हम हेडर रखेंगे क्वीन क्लोजर हेडर 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 हेडर
करना है, हमने जो ऑड में यहाँ पे किया वो हम इवन में यहाँ पे कर रहे हैं, है ना? यस मैम। तो हमारा इवन कोर्स सिंपली क्या हो जाता है, ऑल वी आर डूइंग इज सिंपली टेकिंग दिस इवन कोर्स के लिए इसको लेके हमने उसको रोटेट कर दिया, मीनिंग जो हमारा ऑड में इस तरफ है वो हमारा इवन में इस तरफ आ जाएगा, मीनिंग इसके ऊपर वाला कोर्स अगर हम देखें तो हम वहां पे अब हमने यहाँ हेडर रखा है तो हम यहाँ पे स्ट्रेचर ही रखेंगे ऑब्वियसली, तो मतलब हमारा यहाँ जो हेडर था वो हमारा हेडर ये आ गया, और फिर हमने क्वीन क्लोजर रखा हेडर 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 एंड यहाँ पे भी कंटिन्यू विद स्ट्रेचर स्ट्रेचर स्ट्रेचर। तो जो चीज हमारी इस फेज पे हो रही थी वो अब टर्न होके इधर आ गई ऊपर वाले कोर्स में, एंड जो यहाँ हो रहा था वो इधर आ गया, तो हम लोग सिर्फ टर्न करके जाते हैं ऑड एंड इवन कोर्स में, दैट इज ऑल। आपको याद नहीं करने हैं दो सेपरेट कोर्स, अगर आप सिर्फ एक बार एक कोर्स रखना समझ लोगे कैसे रखा जाता है तो यू ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कि उसके ऊपर वाले कोर्स में सिर्फ फ्लिप कर देना उसको, वो 90 डिग्री वाला इधर आ जाएगा, इधर वाला 90 डिग्री पे चला जाएगा। ये हर ब्रिक बॉन्ड में होता है। सो ओके, सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड समझ में आया? कि हम क्यों इतने सारे बैग्स एंड क्लोजर्स यूज कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव टू, देयर इज नो अदर वे, अदरवाइज वो डिसबैलेंस हो जाएगा। यस और नो, शुड वी मूव ऑन? शिवानी? यस मैम। नाउ इज इट क्लियर कि हम लोग क्यों कहाँ पे बैड एंड क्लोजर्स यूज कर रहे हैं? ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू गार्डन। गार्डन में जैसे हम लोगों ने देखा गार्डन वॉल के रूल्स होते हैं, वन रूल इज दैट यू हैव टू, इट कैन ओनली बी अ वन ब्रिक थिक वॉल, उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। सेकेंड पॉइंट इज कि उसकी हाइट of the wall cannot be more than, it has to be less than 2 meters, तो इसलिए इसको mostly use किया जाता है in boundary walls compound walls
एक्सेट्रा इसके सिमिलर या गार्डन वॉल्स जैसे कि ना है. सो दिस इज गार्डन वॉल. एंड ये इंग्लिश बॉन्ड भी हो सकता है या फ्लेमिश बॉन्ड में भी हो सकता है. द ओनली थिंग डिफर्स इज कि हम उसके फ्रंट में इफ वी सी तो हम जो हेडर कोर्सेज होते हैं मीनिंग स्ट्रेचर स्ट्रेचर सपोज इंग्लिश स्टाइल में कर रहे हैं सो वी हैव अ स्ट्रेचर कोर्स फिर मे बी वी हैव अनदर स्ट्रेचर कोर्स पर हम एक और स्ट्रेचर कोर्स अगर बना देंगे तो ये प्रॉब्लम होगी. ऑब्वियसली होगी, कैन नॉट अवॉइड इट, पर हम लोग ऐसे नहीं होने दे सकते बिकॉज दिस डजंट मेक सेंस एंड दिस इज अ एलिवेशन. ठीक है, तो ये तो हम नहीं होने दे सकते ऑब्वियसली. अब अगर हम 3 से 5 अगर स्ट्रेचर कोर्स ही बना रहे हैं सीधे सीधे सो क्या प्रॉब्लम आएगी. फिर हमने स्ट्रेचर कोर्स बना दिया, प्रॉब्लम हो रही है ना? यस मैम. दीज कैन नॉट कंटिन्यू लाइक दिस. तो इंस्टेड हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ हैविंग दीज कंटिन्यू स्ट्रेचर्स हम लोग हर ऑल्टरनेट कोर्स में एक हेडर ऐड कर देंगे, कॉइन हेडर ऐड करते हैं, देन वी विल कंटिन्यू विद द स्ट्रेचर. सो दिस विल fit in perfectly. Header, then stretcher, stretcher, stretcher. फिर से हम स्ट्रेचर कोर्स अगर डालते हैं थर्ड तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? यस मैम. एंड उसके बाद लेट्स सी कि हमारे 3 स्ट्रेचर कोर्स हो गए, नाउ वी वांट 1 हेडर, तो हम क्या करेंगे, तो भी हम हेडर से ही स्टार्ट करेंगे. फिर हम जो हेडर कोर्सेज होते हैं उसमें हम एक क्वीन क्लोजर ऐड कर देते हैं, सो दैट अगर नहीं करेंगे कि जस्ट मेक अ हेडर कोर्स तो ये होगा. अगेन दिस इज प्रॉब्लमैटिक बिकॉज ऑफ दिस एंड दिस एंड दिस. तो ये भी नहीं कर सकते, हमें इसे तोड़ इन इन वर्टिकल जॉइंट्स को तोड़ने के लिए वी हैव टू डू समथिंग. तो हम क्या करेंगे, हमें बनाना तो हेडर कोर्स ही है, सो वी विल जस्ट ऐड अ क्वीन क्लोजर, फिर हम हेडर कंटिन्यू करेंगे. सो अगेन फिर वही होता है, जैसे इट विल बी सेंट्रली सपोर्टेड, ईच हेडर विल बी सेंट्रली, ऑल्टरनेट हेडर विल बी सेंट्रली सपोर्टेड. लैप बन है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है. सो ये था हमारा हेडर कोर्स. अब हमारा एक हेडर कोर्स आ गया है तो हम नेक्स्ट 3 या 5 कोर्स तक फिर से स्ट्रेचर रखेंगे. लेट मी मूव इट अप डाउन. ओके, so now we want 3 head stretcher courses again kyunki yahi rule hai. 3 to 5, 5 bhi ho sakte hain, we can have continuous 5 stretcher courses. so ab hum kya karenge, hum wapas se stretcher rakhna shuru kiya humne and we continue the same thing. fir hum wapas se stretcher to nahi rakhenge, same problem. राइट, सो वी नॉट गोइंग टू डू दैट. हम लोग फिर से एक कॉइन हेडर रखेंगे, इट विल बी अ कंप्लीट ब्रेक
हमने एक पॉइंट हेडर रखा, फिर वी विल कंटिन्यू विद द स्ट्रेच ऑफ फोर्स. And another stretch of force. Sorry. Another stretch of force. क्योंकि मैं तीन, अच्छा तीन हो गए already. तो फिर वह हम एक header force रखेंगे. ऐसे हमारी garden wall बनती जाएगी जब तक दो, मतलब 2 meter या उससे कम. सो इन दिस अगर हम नोटिस करें तो वी विल सी कि हमने कुछ कुछ चीजें फॉलो की हैं. वन इज दैट देर आर 3 stretcher forces, 2 1 header force, फिर 3 stretcher forces हैं, फिर 1 header force है. इसकी जगह हम 3 से 5 भी कर सकते हैं. सो ये है stretcher forces are 3 to 5, then there is 1 header force. Okay, ये चीज तो एक हो गई. Then another thing to notice is कि हमारा header, right? Irrespective of whether it is a header force or a stretch force, हर alternate force में we have a point header. ठीक है, तो इसके बेसिक बेसिक रूल समझ में आ गए. और ये था इंग्लिश गार्डन बॉन्ड. ऐसे ही फ्लेमिश गार्डन बॉन्ड भी बन सकता है, वो भी एक बार देख ही लेते हैं कैसे बनता है. फ्लेमिश में हम लोग अगेन लेट्स टेक अ लुक एट द एलिवेशन. ये हमारे ग्राउंड प्लान. Yes, ma'am. इन फ्लेमिश गार्डन वॉल हम लोग हर कोर्स में एक हेडर सेम रेशियो होता है, एक हेडर कोर्स होगा और 4 से 5 स्ट्रेचर्स होते हैं. इसमें जैसे इंग्लिश में वी हैड कंप्लीट स्ट्रेचर कोर्सेज, अगर होंगे तो कंप्लीट स्ट्रेचर्स होंगे एंड देन एक हेडर कोर्स होगा 3 या 5 के बाद. बट फ्लेमिश में देर आर नो कंप्लीट स्ट्रेचर कोर्सेज. आप एक तो फ्लेमिश बॉन्ड टाइप का कोर्स बनाओगे, फिर उसके बाद एक कोर्स होगा जिसमें 2-3 स्ट्रेचर ब्रिक्स रखी होंगी, फिर एक हेडर होगा, फिर 2-3 स्ट्रेचर ब्रिक्स होंगी, फिर एक हेडर होगा.
हमारा इसमें व्हाट हैपेंस इज कि एवरी कोर्स हैज टू थ्री फाइव इस तरह से स्ट्रेचर्स टू वन हेड, मीनिंग एक अगर हमने स्ट्रेचर रखा सो वील हैव टू स्ट्रेचर थ्री स्ट्रेचर फिर एक हेड आएगा। देन नेक्स्ट कोर्स में वील स्टार्ट विद द हेडर, फिर हमने स्ट्रेचर 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 रखा, फिर जैसे ही तीसरा स्ट्रेचर रखेंगे, अच्छा हाँ ना, जैसे हमने तीसरा स्ट्रेचर रखा वी सी कि हमारा जॉइंट ओवरलैप होने लगेगा, तो हमें ऑब्वियसली कुछ चाहिए टू ब्रेक दिस पैटर्न, क्योंकि फिर एवरी टाइम एवरी थ्री और फोर स्ट्रेचर्स दिस इज गोइंग टू हैपन, तो हमें यहाँ पे ब्रेक करने के लिए वी नीड समथिंग, एंड वो समथिंग क्या है, वी विल ऐड अ थ्री क्वार्टर बैक। ये हेडर है एंड वील ऐड अ थ्री क्वार्टर बैक, हर ऑल्टरनेट कोर्स में सो हमारे स्ट्रेचर्स अपने आप ही प्रॉपरली लाइन आने लगे। देन अगेन वी हैव अ स्ट्रेचर 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 हेडर, देन हेडर के बाजू में थ्री फोर पैड, देन स्ट्रेचर स्ट्रेचर, सो दिस इज बेसिकली व्हाट हैपेंस। हर ऑल्टरनेट कोर्स में हम स्टार्टिंग स्ट्रेचर या हेडर से करते हैं, ठीक है, तो हमने अगर इसमें एक स्ट्रेचर से स्टार्टिंग की तो यहाँ पे हम हेडर ही रखेंगे, देन हम स्ट्रेचर करेंगे, देन हम हेडर रखेंगे, बट बिफोर कंटिन्यूइंग इन द हेडर दिस वन विद अनदर स्ट्रेचर वी पुट अ थ्री फोर्थ बैक। ये स्ट्रेचर है, हेडर है, स्ट्रेचर है, सो यहाँ पे हमें थ्री क्वार्टर बैक रख देते हैं सो दैट आगे जाके यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो, एंड ये हर ऑल्टरनेट में के बाजू में एक हम क्वार्टर बैक रख देते हैं टू अवॉइड दैट प्रॉब्लम, क्योंकि हेडर्स एंड स्ट्रेचर 1:2 रेशियो में कहीं ना कहीं मैच करते ही हैं, सो दिस हेल्प्स। एंड इसमें यही होता है कि यू हैव तीन या पांच स्ट्रेचर्स फिर एक हेडर होता है, फिर सेम स्ट्रेचर्स कंटिन्यू होता है, या अगर हम अगर हम तीन की जगह पर्टिकुलरली अगर हम दो स्ट्रेचर्स, अगर हमारा रेशियो स्ट्रेचर टू हेडर का 2:1 है, मतलब हम दो स्ट्रेचर फिर एक हेडर रख रहे हैं, ये टू स्ट्रेचर्स फिर वन हेडर, फिर टू स्ट्रेचर फिर वन हेडर, तो ये जो होता है इसको हम मॉन्क बॉन्ड बोलते हैं, इट इज गार्डन बॉन्ड बट उसमें भी एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड है मॉन्क बॉन्ड। एंड इसमें जो हेडर होता है इट रेस्ट ओवर, इसमें जो हेडर होता है इट रेस्ट ओवर द जॉइंट ऑफ टू स्ट्रेचर्स, मीनिंग अब जैसे यहाँ पे हमने एक हेडर रखा क्योंकि हम हेडर स्ट्रेचर के ऊपर हेडर ही रखना है, फिर हम थ्री फोर बैक रखेंगे, फिर हमने एक स्ट्रेचर रखा, फिर हमने एक स्ट्रेचर रखा, फिर एक हेडर, फिर स्ट्रेचर रखेंगे, फिर हेडर, सो दिस इज अ दैट।
This is header, structure, structure header, structure, structure header. ये mount point की बात करते हैं, then structure, structure. So ये जो joint आ रहा है, this दो structures के बीच का joint rests centrally over एक header. फिर ये दो स्ट्रेचर्स का जॉइंट इज अलाइन विद द सेंटर ऑफ अ हेड. तो ये पैटर्न फॉर्म होगा. यहाँ पे भी हेडर के सेंटर में दो स्ट्रेचर का जॉइंट आ रहा है ना. सो माउंट वन में ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसमें अगर हम दो स्ट्रेचर एंड वन हेडर यूज करेंगे. और अगर हम नॉर्मल नॉर्मल एज एन जस्ट गार्डन वॉल कर रहे हैं फ्लेमिश स्टाइल में, तो वी विल मे बी हैव वन टू थ्री स्ट्रेचर्स एंड देन वन हेडर, फिर वन टू थ्री स्ट्रेचर्स फिर वन हेडर. सो स्ट्रेचर्स स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर्स स्ट्रेचर स्ट्रेचर हेडर, फिर हम उसके ऊपर एक हेडर, देन दैट, देन फ्लेमिश, सॉरी फ्लेमिश क्रिएट करेंगे, देन स्ट्रक्चर, देन स्ट्रेचर तीन स्ट्रेचर फिर एक हेडर आएगा. ओके, सो दिस इज गार्डन वॉल. फिर रेकिंग बॉन्ड. आज आई विल कंप्लीट ऑल द ब्रेकवर्ड्स, ज्यादा नहीं है, वी जस्ट हैव टू मोर, एक थ्री मोर, एंड उसके बाद आप सारे ब्रेकवर्ड्स की शीट्स कंप्लीट कर लेंगे. तो इसके बाद है रेकिंग बॉन्ड. इसमें क्योंकि जैसे जो थिक वॉल्स होते हैं, सपोज टू ब्रिक थिक वॉल है, इस टाइप की ब्रिक्स जो बहुत थिक होते हैं, इसमें हम लोग फिलिंग जो होते हैं वो सिर्फ हेडर से ही करते हैं, और जो इस टाइप की वॉल्स वीक हो जाती हैं इन द इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्योंकि बीच में सिर्फ हेडर्स हैं तो वो वीक हो जाएंगी. There isn't enough lag. So, raking या inclined bonds use किए जाते हैं so that ऐसी walls की weakness को counteract किया जाए. इसमें अभी तक हम देख रहे थे जो forces हैं वो सीधे सीधे parallel to the ground रख के आ गए हैं, but in raking bond हमारे जो फोर्सेस होते हैं दे आर 45 डिग्री टू द ग्राउंड वॉल, ग्राउंड लाइन. ये होता है रेकिंग बॉन्ड. इसमें जो ऑल्टरनेट कोर्सेज होते हैं
अगर हम इसे एलिवेशन सॉरी प्लान में देखें तो लेट मी शो यू अ वॉल. ये होता है रेकिंग पॉइंट. दिस इज द फ्रंट ऑफ द वॉल. इसमें जो ब्रिक्स होती हैं वो डायगोनली रख सकते हैं, हेरिंग बोन स्टाइल में रख सकते हैं. अब तो आप लोगों को हेरिंग बोन पता होगा क्या होता है, टेक्सचर्स बनाए थे आप लोगों ने, एंड या फिर जिगजैग हो सकता है. दिस इज बेसिकली व्हाट अ रेकिंग पॉइंट इज. ठीक है, इसमें मैम रेकिंग बोन मैम मोस्टली मतलब मैंने मैम देखा है जैसे फ्लोर में मैम, जैसे आउट रोड साइड पे फ्लोरिंग में मैम यूज होती है. वो तो टाइल का पैटर्न होता है ना. ये पैटर्न जो है हेरिंग बोन, ये आप वुड के पैटर्न से भी क्रिएट कर सकते हो, टाइल से भी बना सकते हो. बट इन दिस केस ब्रिक्स का अरेंजमेंट इन अ वॉल इज डन इन दिस फैशन. सो ये जो वॉन्ड मीनिंग जो ब्रिक का पूरा वॉल क्रिएट होती है उसको रेकिंग बोन बोलते हैं. पर इसमें जो पैटर्न बीच में क्रिएट हो रहा है वो पैटर्न हेरिंग बोन है. तो ये पैटर्न कई जगह भी देख सकते हो. बट ऐसी जो वॉल्स होती हैं जिसमें ब्रिक्स ऐसे रखी हो उनको रेकिंग बॉन्ड वाली वॉल्स कहते हैं. ओके मैम. फ्लोरिंग में भी ये पैटर्न यूज होता है पर वो रेकिंग बॉन्ड नहीं होता, वो पैटर्न होता है हेरिंग बॉन्ड. यस मैम. सो इसमें फोर्सेस जो होते हैं वो इंक्लाइंड होते हैं इंस्टेड ऑफ बीइंग हॉरिजॉन्टल. Horizontal, they are as a inclined. Then, जो inclination है, यानी जो rating है, it should be in opposite direction in alternate forces. And जनरली ऐसा जो बॉन्ड होता है
मतलब हम सक्सेसफुली वॉल एनीथिंग वॉल क्रिएट करते हैं, व्हाट वी डू इज हम इसको कंटिन्यूअसली कोर्सों में नहीं बनाते हैं, हम नॉर्मली 3 या 4 कोर्सेस के बीच में इस टाइप का बॉन्ड दे देते हैं। मीनिंग जैसे आप देख सकते हो लाइक फॉर एग्जाम्पल ओके जनरली इस टाइप के कोर्स जैसे रेकिंग बॉन्ड टाइप के कोर्सेस रेगुलर इंटरवल्स में प्रोवाइड किए जाते हैं बिटवीन 4 to 8 कोर्सेज, मतलब 4 या 8 कोर्सेज नॉर्मल बॉन्ड के होंगे, देन एक कोर्स ऐसा हो सकता है। इसमें यू कैन सी कि जिन वॉल्स की थिकनेस इतनी होती है, मीनिंग इसमें यू कैन सी कि दिस इज द वॉल थिकनेस, ये पूरी ऊपर से नीचे तक इतनी थिक वॉल है, ठीक है। सो दिस इज अ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 फोर ब्रिक थिक वॉल से भी ज्यादा थिक वॉल है ये। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, हमने सामने तो स्ट्रेचर कोर्स दिखाया है, पीछे भी स्ट्रेचर कोर्स है, यहाँ पे हेडर कोर्स है एंड बीच में कोई कोर्स है। सो बाहर इंग्लिश बॉन्ड फॉलो हो रहा है, ठीक है, फेस पे, एंड बीच में हमने डायगोनल रेकिंग कोर्स, मतलब ये पूरा जो बॉन्ड अरेंजमेंट है दिस इज रेकिंग बॉन्ड, फिर इसके ऊपर हम इंग्लिश कोर्स वाला फॉलो करेंगे मे बी 4 to 8 कोर्सेज में, फिर बीच में एक ये दे देंगे, इस तरह से होता है। सो ये जो आप देख रहे थे दिस इज द वॉल थिकनेस, हमें प्लान में देख रहे हैं, एलिवेशन नहीं है ये वॉल का। यस सर। एंड रेकिंग बॉन्ड हमेशा स्ट्रेचर कोर्स में दिया जाता है, क्योंकि देखो आप जितने भी डायग्राम्स देख रहे हो उन सब में यू विल नोटिस कि दीज आर ऑल स्ट्रेचर बॉन्ड्स। अगर ये वॉल थिकनेस है तो मतलब सामने हमें स्ट्रेचर्स दिख रहे हैं, सो दिस इज द स्ट्रेचर फोर्स। तो हम हर दम जब भी रेकिंग बॉन्ड क्रिएट करते हैं तो वी क्रिएटेड इन अ स्ट्रेचर फोर्स ऑफ अ वॉल। सो उससे जो अरेंजमेंट होता है, जो पर्पस होता है रेकिंग बॉन्ड का, टू प्रोवाइड मोर स्टेबिलिटी इन अ वेरी थिक वॉल, वो पर्पस हो जाता है। एंड इसमें यू हैव एक तो डायगोनल बॉन्ड जिसमें यू जस्ट प्लेस द ब्रिक्स बीच में डायगोनली, वन इज हेरिंग बॉन्ड जिसमें आप एक सेंट्रल एक्सिस से एक ऊपर एक डायरेक्शन में जाते हो, नीचे उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाते हो, हेरिंग बॉन्ड। एंड एक होता है जिगजैग, लेट मी शो यू अ जिगजैग हेरिंग बॉन्ड, सॉरी जिगजैग रेकिंग बॉन्ड। राइट, दिस इज अ जिगजैग
इसमें हेरिंग बोन में तो सिर्फ सेंटर में करके बाकी एवरीथिंग गोज इन टू डायरेक्शंस, इसमें ज़िगज़ैग फॉर्म में हम रिब्स लगाते हैं। सो ये तीन टाइप होते हैं ऑफ रेटिंग नॉट, राइट? यस मैम। देन है डच बॉन्ड। डच बॉन्ड इज बेसिकली इंग्लिश बॉन्ड जैसा होता है बट इट इज मॉडिफाइड। जैसे कि इसमें सॉरी लेट मी शो यू अ डच बॉन्ड। ये इसमें एज यू कैन सी हमारा है तो इंग्लिश बॉन्ड ही, वी सी स्ट्रेचर्स देन हेडर्स एंड स्ट्रेचर्स एंड हेडर्स, एक्सेप्ट इसमें जो कॉर्नर होता है वॉल का उसको स्ट्रेंथन किया जाता है। सो इसमें डिफरेंसेस क्या होते हैं? पहली बात तो जैसे इंग्लिश बॉन्ड में ऑल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर कोर्स होते हैं वही है, देन जो क्वाइन होता है स्ट्रेचर कोर्स का, हम लोग इंग्लिश बॉन्ड में क्या देखते हैं, लेट मी पुल अप अ इंग्लिश बॉन्ड, ये है इंग्लिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड में स्ट्रेचर कोर्स में कुछ नहीं होता है बट हेडर कोर्स में हमें क्वीन क्लोजर डाल देते हैं। बट इन डच बॉन्ड हम हेडर कोर्सेज में कुछ भी नहीं कर रहे हैं पर हम स्ट्रेचर कोर्स में एक थ्री क्वार्टर बैट डाल दे रहे हैं, राइट? हेडर इसमें कोई क्वीन क्लोजर नहीं है हेडर बॉन्ड में, स्ट्रेचर बॉन्ड में स्ट्रेचर कोर्स में सॉरी यू हैव अ थ्री फोर्थ क्लोजर क्वार्टर बैट, थ्री फोर्थ क्वार्टर बैट। एंड हर ऑल्टरनेट कोर्स में मीनिंग हर ऑल्टरनेट स्ट्रेचर कोर्स में एक स्ट्रेचर कोर्स ये है, फिर सेकंड ये है, फिर थर्ड ये है। तो सेकंड वाले में देखो जो थ्री क्वार्टर बैट है उसके बाजू में यू सी अ हेडर, फिर बैट स्ट्रेचर स्ट्रेचर हेडर कोर्स, देन ऑल्टरनेट वाले में यू सी अ हेडर, दैट इज इट, और कुछ नहीं। दैट्स जस्ट इंग्लिश बॉन्ड। पर फर्क ये होता है कि इंस्टेड ऑफ एडिंग अ क्वीन क्लोजर इन द हेडर कोर्स वी एड अ थ्री फोर्थ बैट इन द स्ट्रेचर कोर्स, एंड इन एवरी ऑल्टरनेट स्ट्रेचर कोर्स 1 2 3 4 वी एड अ हेडर नेक्स्ट टू द बैट, बस और कुछ नहीं। यस मैम। देन एक है ब्रिक ऑन एज, ब्रिक ऑन एज बॉन्ड हम बनाते हैं कैविटी वॉल्स बनाने के लिए, ये है सच अ गुड एग्जांपल। ये है ब्रिक ऑन एज, हम बेसिकली इस ये तो फ्लेमिश स्टाइल में बना रहे है ना, फ्लेमिश स्टाइल में हम लोगों ने ब्रिक को एज पे रखा है, इंस्टेड ऑफ ये हेडर नहीं है एंड ये स्ट्रेचर नहीं है, है ना? ये बेड है, हमारी ब्रिक का बेड है जिसके ऊपर हम ले करते हैं ब्रिक को, पर उन्होंने खड़ा खड़ा ब्रिक्स लगाई है इसमें। सो इंस्टेड ऑफ यू सीइंग द हेडर और स्ट्रेचर, दिस इज द बेड, हॉरिजॉन्टल बेड या वर्टिकल बेड, एंड इसको इन्होंने फ्लेमिश स्टाइल में बनाया है, जैसे ही इंग्लिश स्टाइल में भी बना सकते हैं।
ये इकोनॉमिकल होता है दो तरह से, एक तो इसमें फ्लेमिश बॉन्ड में, जैसे इसमें यू कैन सी फ्लेमिश बॉन्ड में आपको पूरी थिकनेस देनी पड़ती है वॉल की, इसमें हमने बीच बीच में ब्रिक्स ही नहीं लगाई है तो हमारी ब्रिक्स कम यूज होती है। इसको रैट ट्रैप भी बोलते हैं, जैसे इसमें यू कैन सी इट्स ऑल्सो कॉल्ड रैट ट्रैप क्योंकि वी हैव कैविटीज, सो इट्स कॉल्ड अ रैट ट्रैप बॉन्ड या कैविटी बॉन्ड या ब्रिक ऑन एज बॉन्ड। बट ये उतनी स्ट्रांग नहीं होती है ऑब्वियसली, क्योंकि हम पहली बात तो ब्रिक्स को खड़ा खड़ा यूज कर रहे हैं एंड बीच में खाली भी, तो कोलैप्स हो सकती है। सो अगेन इसको हम लोग कंपाउंड वॉल्स में यूज करते हैं, पार्टीशन वॉल्स में यूज करते हैं जिसपे लोड नहीं पड़ रहा होता है। यस मैम, देन लास्ट, ये समझ में आ गया? यस मैम। ओके, सो एक बस एक लास्ट है विच इज अ इंग्लिश क्रॉस बॉन्ड, मीनिंग इंग्लिश एंड फ्लेमिश का क्रॉस होता है, कॉम्बिनेशन होता है। इसमें ऑल्टरनेट कोर्सेस हेडर्स एंड स्ट्रेचर के होते हैं, जैसे कि इंग्लिश वन में होते हैं। देन पॉइंट हेडर्स की बाजू में इंग्लिश वन की तरह ही क्वीन क्लोजर ऐड किया जाता है, यहाँ तक तो सेम इंग्लिश वन जैसे ही है। यू हैव अ स्ट्रेचर स्ट्रेचर कोर्स, यू हैव अ हेडर कोर्स, एंड हेडर कोर्स के बाद एक हेडर कॉइन के बाजू में यू हैव अ क्वीन क्लोजर सेम एज इंग्लिश वन। बट द ओनली डिफरेंस इज कि हर अल्टरनेट स्ट्रेचर कोर्स में, सी दिस इज 1, 2, 3, 4, 5 नहीं है, बट इस स्ट्रेचर कोर्स में स्ट्रेचर के बाजू में एक हेडर है, देन कुछ नहीं है नेक्स्ट वाले स्ट्रेचर में, फिर अगले स्ट्रेचर में देयर इज अनदर हेडर, देन नथिंग स्ट्रेचर्स। सो ये डच बॉन्ड जैसा ही है एक्सेप्ट कि हम इसमें 3-4 क्वार्टर बैट्स नहीं डालते। हमने उसमें क्या किया था, इंस्टेड ऑफ दीज क्वीन क्लोजर्स वी हैड 3-4 क्वार्टर बैट, बाकी तो यही कर रहे थे, वी हैड स्ट्रेचर फिर एक हेडर फिर एक पूरा स्ट्रेचर कोर्स फिर ऑल्टरनेटिंग सो एंड सो। देन इंस्टेड ऑफ अगर हम 3-4 बैट यूज करने की जगह हम क्वीन क्लोजर ही यूज करें एंड नॉर्मल इंग्लिश बॉन्ड की तरह ही बनाए, एक्सेप्ट हर ऑल्टरनेट स्ट्रेचर कोर्स में एक हेडर डाल दें, तो ये इंग्लिश क्रॉस बॉन्ड हो जाता है। इसका पर्पस इज जस्ट टू ऐड यू नो एस्थेटिकली प्लीजिंग एलिमेंट्स टू द वर्क टू मेक इट लुक नाइस, दैट्स ऑल, और कोई स्ट्रक्चरल पर्पस नहीं है, दैट्स ऑल। सो गो थ्रू दिस एंड रंगवाला का आई विल पुट दीज पेजेस बुक के ऑन योर क्लासरूम का टैब, सो यू कैन गो थ्रू देम एंड जब बनाओगे तो वट एवर प्रॉब्लम्स यू फेस यू कैन आस्क मी एंड जब बनाओगे तो यू विल अंडरस्टैंड। ओके यस मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम।